तो दोस्तों SBI का जो अप्रेंटिस का फॉर्म आया होता है उसको मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन फॉर्म जब हम भरेंगे तब स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो मैं एक बार फिर रिव्यू करता था इसमें सर, अच्छा खासा वैकेंसी है, 8,500 पोस्ट है, सैलरी 15,000 से 16,000 के बीच है, डिग्री वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये डिग्री वालों के लिए है, बाकी वीडियो छोड़ सकते हैं। तो चलिए अभी कैसे अपलोड हमें भरना है स्टेप बाय स्टेप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच जाइएगा क्रोम पे, ठीक है। इस पेज पे आप जैसे पहुंच जाइएगा तो ये पेज लोड लेगा। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा जो वैकेंसी आपका, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस जो है फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइज, यहाँ पे एक चीज़ खुल गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में। तो यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई का बटन दिया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी अप्लाई करता हूँ, तो ये पेज लोडिंग लेगा दोस्तों। ये मोबाइल में भर रहा हूँ मैं, आप भी मोबाइल से भर सकते हो, लेकिन आपको इसे लैंडस्केप मोड में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या है डेट्स, 20 तारीख को फॉर्म भरने का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का स्टार्ट है, और क्लोज़र कब है, 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को क्लोज़र है। अल यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, आप 25 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन मतलब प्रिंट कर सकते हो, ऑनलाइन फ़ी आप पेमेंट 20 तारीख तक आपको लास्ट रखा गया। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर जाता हूँ, ऊपर में देखिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये फॉर्म है, स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है एकदम केयरफुली से। तो क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले जो है जो मैंडेटरी फॉर्म्स है, बेसिक डाटा यहाँ पे भरना है। यहाँ पे 5 स्टेज से फॉर्म भरा जाएगा, एक नंबर, एक जो नंबर है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है डालना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद डिटेल डालना है, उसके बाद फॉर्म के एक बार चेक करना है सही है गलत, उसके बाद पेमेंट करना है और प्रिंट आउट करना है। तो दोस्तों मैं जिस फॉर्म भर रहा हूँ वो SC कैंडिडेट का भर रहा हूँ, यानी मैं खुद का ही भर रहा हूँ SC कैंडिडेट का, तो कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। तो अगर आप OBC या जनरल हो तो आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैं पूरा स्टेप आपको एक एक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालिए, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या आपको डालना है। देखिए यहाँ पे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नाम डालना है, फिर यहाँ फर्स्ट नाम को रिपीट करना है, फिर आप देखिए यहाँ पे नाम वगैरह हो गया, मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे चलिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नाम डालता हूँ मैं शंभू कुमार धीवर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए ज़्यादा नाम डाल दिए, तो यहाँ पे खाली फर्स्ट नाम डालना है आपको शंभू डालना है, और नीचे फिर फर्स्ट नाम को ही आपको लिखना है शंभू। चलिए यहाँ पे फर्स्ट नाम शंभू पुट कर दिया, यहाँ पे मिडिल नाम पे आप देख सकते हैं मिडिल नेम पे आपने रखना है कुमार, अगर आपका मिडिल नाम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, आप कंफर्म करना है कुमार कुमार, ठीक है। लास्ट नाम में मैं डाल देता हूँ धीवर, नीचे में यहाँ पे भी धीवर डालता हूँ। देखिए यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक जो है जनरेट हो गया दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं शंभू कुमार धीवर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, ठीक है। अभी आगे देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, तो मोबाइल नंबर डालता हूँ मैं 8935822911, यहाँ कंफर्म करता हूँ नंबर अपना, यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर आप डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है, जो आपको स्टार मार्क दिया है उसको आपको भरना है 100%, जो नहीं है वो देखिए यहाँ पे जो ईमेल आईडी डालना है दोस्तों स्टार मार्क के, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, डोमेन जो है यहाँ पे डालना है, जैसे मेरा एक ईमेल है धीवर धीवर02 जो है धीवर02@gmail.com, तो यहाँ पे @ नहीं, ओनली धीवर02 आपको डालना है, धीवर02, ठीक है, और यहाँ पर डालना है आपको @gmail.com, यहाँ देखिए दिख रहा है, और नीचे में कन्फर्म करना है पूरा ईमेल को, यहाँ पर आपको पूरा डालना है धीवर, यहाँ पे आपको पूरा डाल के कंफर्म करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा कोड है जो वो डालना है 33 33 स्मॉल n KK, ठीक है। यहाँ पे मैं
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप चेक कर लेना एक बार, देखिए मैंने नाम भर लिया है, मिडिल नाम भर लिया है, लास्ट नाम भर लिया है, और जो है नंबर भर दिया है, और यहाँ पे ईमेल डाल दिया है। अभी मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर द डाटा एंट्री इज़ करेक्ट? तो हाँ दोस्तों श्योर है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला स्टेप जो है मेरा कंप्लीट। अभी सेकंड स्टेप फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड को देखिए, एक फ़ोटो यहाँ से लेता हूँ मैं दोस्तों। देखिए यहाँ SMS भी आ गया दोस्तों, जो SBI अप्रेंटिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऊपर में आ चुका है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूँ, फ़ोटो अपलोड करना है मुझे। तो फ़ोटो मैं कहाँ रखा हूँ आप अपना गैलरी में चेक कर सकते हो। ये पूरा फॉर्म जो है मोबाइल से भर रहा हूँ, आप भी मोबाइल से भर सकते हैं फॉर्म फिलअप। यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ फ़ोटो लोडिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ फ़ोटो का डायमेंशन दिया है 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। देखिए फ़ोटो यहाँ अपलोड हो गया दोस्तों। अभी मैं सिग्नेचर लेता हूँ, और सिग्नेचर जो है ब्लॉक लेटर में नहीं, आप जो साइन करते हैं वैसे साइन करना है। तो चलिए साइन अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पे गैलरी या डॉक्यूमेंट्स। यहाँ दोस्तों सिग्नेचर मेरा अवेलेबल है, देखिए दोस्तों सिग्नेचर ले रहा दोस्तों। तो दोस्तों सिग्नेचर एंड जो फ़ोटो है मेरा अपलोड हो चुका है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दिया मैंने, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरा, फ़ोटो सिग्नेचर भरा, उसके बाद डिटेल अभी भरना है, पूरा डिटेल जो आपको है वो भरना है। तो यहाँ पे जो है अपना स्टेट भरना है अप्लाई फॉर, तो मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का भरूँगा। यहाँ पे देखिए, आर यू प्रोफिशियंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इन एनी वन ऑफ द स्पेशल लोकल लैंग्वेज? यस, हाँ जानते हैं दोस्तों लोकल लैंग्वेज तो चाहिए। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट? तो यस है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है दोस्तों, जो जो डिस्ट्रिक्ट पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो धनबाद डालता हूँ मैं, उसके बाद सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट डालता हूँ दोस्तों वो मैं ये जॉब लोकेशन के लिए है, उसके बाद बोकारो डालता हूँ। थर्ड जो डालता हूँ मैं दोस्तों वो सबसे सामने जो मेरा है गिरिडीह है, तो गिरिडीह डालता हूँ। ये तीन, धनबाद बोकारो गिरिडीह। यहाँ पे देखिए कैटेगरी डालना है दोस्तों, यहाँ पे SC कैटेगरी डालता हूँ, ठीक है दोस्तों SC कैटेगरी मैंने डाल दिया। यहाँ पे सब कैटेगरी में आप नेसेसरी नहीं है भरना, लेकिन छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अभी नेक्स्ट, आर यू ए पर्सन विद डिजेबिलिटी? नहीं, नहीं है, उसके बाद काट देता हूँ उसको। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पलेसी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड? नो, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं ले रहा, मतलब ये यहाँ पे भरना नहीं है। यहाँ पे जो रिलीजियस है वो डालना है, तो मैं हिंदू हैं तो हिंदी डाल देता हूँ। यहाँ पे डू यू बिलोंगिंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? तो नहीं, यहाँ पे इंडियन ऑटोमेटिक भरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं, तो मैं झारखंड में हूँ तो झारखंड डालना हूँ, और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर डालना है मुझे, तो यहाँ धनबाद डाल देता हूँ मैं, धनबाद दिया हुआ ऑप्शन। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है अपना, तो 12/9/1996 है मेरा, 12/9/1996। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एज मेल है, तो मेल में क्लिक करना है। नीचे देखिए मैरिट अनमेरिट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फादर्स नाम डालना है, तो फर्स्ट नाम, तो फादर नाम जो है मैं डाल देता हूँ, वही राम। यहाँ पे जो मिडिल नेम आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्म आपको भरना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मम्मी का मैं नाम लिख देता हूँ, तुलसी। यहाँ पे लास्ट नेम पे मैं देवी दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं लास्ट नाम डालना भूल गया, धीबर डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं भर रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस भर देता हूँ दोस्तों, एड्रेस फर्स्ट में बलियापुर अपना विलेज है, तो बलियापुर। अभी सेकंड में हम धनबाद फिलअप करते हैं, धनबाद। धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में बलिया, सेकंड में धनबाद,
और स्टेट 3 में हम छोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट धनबाद है, झारखंड स्टेट भर दिया, और पिन कोड देख सकते हैं 82801 है। तो यहाँ तक तो मैंने भर लिया है। अभी यहाँ पे सेम एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो सेम टाइपिंग हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे चूज़ द एड्रेस ऑफ GST, तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो जाने देना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी, इंफॉर्मेशन चार्जेस, नहीं तो यहाँ पे वैलिडेट करना है, चेक करना है कि गलत है, तो कहीं गलत है दोस्तों, कुछ भरना है। देखिए अब शो करेगा, अच्छा यहाँ पे कम्युनिटी, अच्छा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट किया था दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ इसलिए यहाँ पे गलत बता रहा था। ठीक है अब देखता हूँ चेक करके। यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल में क्लिक करने से आपको पता चलेगा कि आप जो डाटा भरे हैं वो सही भरे हैं कि गलत भरे हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ और गलत है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है ऊपर में, सब कुछ अपने ऊपर में लिखाएगा। अच्छा एक प्रॉब्लम है इसमें, ये जो दिख रहा है आपको सब कास्ट में नहीं डाला हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना सब कास्ट देता हूँ केवट, मैं केवट हूँ तो केवट डाल देता हूँ, केवट। ठीक है अभी मैं डाल के देखता हूँ अभी लेता है कि नहीं। अभी दोस्तों सक्सेसफुली सही है, वहाँ पे सब जो डालना मैं भूल गया सब करी करी। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे, अभी नेक्स्ट पेज खुलेगा मेरा। अभी देखिए दोस्तों डिटेल हमने फिलअप कर लिया, यहाँ पे कितना स्टेप तक गया, बेसिक इंफॉर्मेशन भरे, फोटो सिग्नेचर डाले, डिटेल भरे, अभी प्रीव्यू करना है। अभी डिटेल्स कुछ और है बाकी वो डालते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिटेल डालना है दोस्तों, सबसे पहले मेरा ग्रेजुएशन है तो मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, साइंस से है मेरा, नेम ऑफ कॉलेज लिख देता हूँ दोस्तों, BBM इंटर कॉलेज बलियापुर। ठीक है ये मेरे कॉलेज का नाम है। अभी नेक्स्ट यहाँ क्या है, डेट ऑफ पासिंग, तो पासिंग मेरा है 2018। यहाँ पे 4 कोई भी डेट डालता हूँ, ये कोई 2018 कर देता हूँ मैं। ठीक है एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन, तो दोस्तों यहाँ मैं कुछ भी डालता हूँ, 400 डालता हूँ ऐसे फ़िलहाल, क्योंकि मुझे अभी चेक फॉर्म भर के आपको दिखाना है, आपका जो ओरिजिनल होगा वो डालना है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो वहाँ पे था 500 में डाल देता हूँ, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। देखिए दोस्तों 80% आ गया। यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न करना है। यहाँ पे अगर आपको इच्छा है, अगर और कोई आप डिटेल यहाँ भरना चाहते हैं जैसे अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं आप, आपका परसेंटेज यहाँ पे जो भी है, अगर CGPA में ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला के अनुसार कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है परसेंटेज में CGPA में अगर आपका है तो। यहाँ पे डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस, तो नहीं है मेरे पास। यहाँ पे देखिए हैव योर अंडरगो अप्रेंटिस इन SBI, तो नहीं किए कभी भी। आर यू विलिंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन ऑफ IBA, तो दोस्तों यहाँ पे यस आपको करना ही करना है। और यहाँ पे क्या है वर्क एक्सपीरियंस, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप नो क्लिक कर दीजिए, ज़रूरी नहीं। यहाँ पे देखिए हिंदी आपको लिखना आता है, राइट करना आता है, और स्पीक भी आता है, यहाँ इंग्लिश भी डाल देते हैं इंग्लिश, इंग्लिश डालते हैं, रीड राइट एंड स्पीक। ठीक है अब इसको चेक करता हूँ, तो दोस्तों सक्सेसफुली सही है। अब यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, तो जैसा कि SC है तो कोई भी फी पेमेंट नहीं होगा, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ फी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फाइनली मेरा जो है फॉर्म सबमिट अभी करना बाकी है। यहाँ पे देखिए आई कन्फर्म दिस इज माई फोटो में क्लिक करना है, और नीचे जाना है, नीचे जाके आप यहाँ पे पूरा एक बार मिला लेना है, एकदम अच्छी तरह से आपको चेक करना है। एक बार अगर आप सबमिट कर दिए तो फिर आप दोबारा नहीं इसको एडिट कर सकते। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ आई कन्फर्म पे क्लिक करना है, और फाइनल सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ फाइनल सबमिट में क्लिक करना, तो फाइनल सबमिट में मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आर यू श्योर एज नो चेंजेस एडिट ऑफ विल बी अलाउड आफ्टर सबमिट, तो हाँ अभी मैं कर देता हूँ फाइनली इसको। देखिए दोस्तों यहाँ फाइनली मेरा जो फॉर्म है वो हो गया है, अभी मैं इसको प्रिंट आउट ले सकता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे कोई और एक यहाँ मेल भी आया हुआ है, देखिए मेल, और यहाँ पे ये यह हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे आपको ऊपर में राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है, ये देखिए प्रिंट करने का एप्लीकेशन प्रिंट, ये आपको 20 तारीख तक एप्लीकेशन प्रिंट करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे SC का भरा था इसीलिए जो है
फॉर्म में आपको कोई भी फी नहीं लगा। अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस हो तो वहाँ पे फी पेमेंट करके आपको ऐसा प्रिंट ऑप्शन देगा। तो दोस्तों चलिए प्रिंट ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं बाद में इसे प्रिंट करूँगा अभी, क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर में लॉगिन करूँगा, नहीं तो फिर यहाँ पे भी प्रिंट हो ही जा रहा है, कोई इशू नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कहीं सेव कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं इसको डन करता हूँ और मैं आपको प्रिंट किया हुआ आपको दिखा देता हूँ कैसे प्रिंट हुआ। तो पूरा प्रोसेस आपको मैं बता दिया दोस्तों, अभी आपको दिखाना कि प्रिंट कैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं अपना गैलरी जाता हूँ, यहाँ ओपन करता हूँ, और ओपन करके यहाँ पे जो फाइल अभी मैं देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो प्रिंट आप लिए हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा आपका डिटेल आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रिंट आप जो भी वैल्यू डाले हैं जो भी फॉर्म भरे हैं यहाँ देखिए पूरा आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए विदा दीजिए, थैंक यू वेरी